इस वर्ष हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि देश आज़ादी का 75 साल पूरा किया है। उसके उपलक्ष्य में साल भर से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी वीर हैं, जिनकी शहादत से यह स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं। इसको और उत्साह से मनाने के लिए अभी हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, जो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच चलना है। और इसमें सभी नागरिकों से ये अपील किया गया है कि वे अपने अपने घर पे तिरंगा को फहराएं। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारे शान वान और मान का प्रतीक है, राष्ट्रीय गर्व है। राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग पूरे आदर के साथ, राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए, पूरी श्रद्धा और सम्मान से सभी नागरिक उसको अपने घरों पे फहरा रहे हैं। तिरंगा यात्रा चल रहा है और बड़ा ही उत्सव का माहौल है। 15 अगस्त कल है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जगह झंडोत्तोलन कार्यक्रम होंगे। मैं अपनी ओर से प्रमंडल के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं, सबों में जागरूकता फैलाएं और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको पूरा सम्मान दें और झंडा फहरा करके आप राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बने। मैं आज के दिवस पर ये अपील करता हूँ, ये मेरी शुभकामना है कि इस प्रमंडल के सभी लोग के जीवन में खुशी आवे और यह स्वतंत्रता दिवस जो है सभी के जीवन को उल्लासपूर्ण और आनंदमय बनाए। मैं पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।